हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए और किस एनर्जी में चल रहे हैं वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कार्ड्स हम शफल कर ही चुके हैं। एंड गाइस, इट्स अ जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ओके, तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपका, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो आपके लिए नहीं है, वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। We have the star, we have two of wands, we have King of Swords and Justice, we have Three of Cups, we have Ace of Pentacles, we have the Hermit, and we have Queen of Cups, and bottom of the deck we have Knight of Pentacles and the Tower. Okay, सो गाइज, मैं आपको साइंस बता देता हूँ। ओके, देन हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वी हैव एक्वेरियस स्पेशल, एरीज लियो सजिटेरियस, जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा वी हैव स्पेशल, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वर्गो हमारे पास स्पेशल है, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, एंड वी हैव कपल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ऑल ओवर अगर मैं देखूं आपकी इस रीडिंग को, तो अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, आप सिंगल चल रहे हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्लियरली देख पा रहा हूं, एंड इवन मैं आपका ये भी देख पा रहा हूं कि आप सिंगल हो इस टाइम पर। आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है विदाउट एनी मेंटल क्लैरिटी। आप अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चल रहे हो, एंड आप चाहते हो अपनी लाइफ में जस्टिस, कि आपको जस्टिस मिले। या तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, या ये पार्टनर अपना कर्मा फेस करे, आप ये चाहते हो इस टाइम पर। बट ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स अभी भी रखे हुए हैं, अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो। क्योंकि द स्टार कार्ड मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि ये पर्सन अब अपनी बैलेंसिंग कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद की बैलेंसिंग को इन्होंने शुरू कर दिया है, खुद में चेंज लाना इन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में जस्टिस आ रहा है, गॉड जस्टिस दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये कार्ड मुझे यहाँ से पास्ट लवर को भी दिखाता है। अब जब हम किसी अपने
जब भी हम अपने पास्ट लवर के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर उनकी करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और अगर ये कार्ड आ जाए तो डेफिनेटली ये कार्ड यही दिखाता है कि यस, आप अपने अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपको आपकी पास्ट लाइफ के लिए जस्टिस मिले। ओके, तो आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। गॉड हमें यहाँ से दिखा रहे हैं कि यस, जस्टिस है। और इवन आपके पर्सन की लाइफ में शुरू हो भी चुका होगा, मे बी ये पर्सन बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस कर रहा हो आपको छोड़ने के बाद जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी ना की हो। तो द स्टार कार्ड मुझे दिखा रहा है कि यस, ये अपने अब पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फेथ बढ़ा रहे हैं गॉड में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि जब एक कार्मिक पाथ पर एक इंसान चल रहा होता है तो वो काफ़ी अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए और बैलेंसिंग के साथ आगे बढ़ाता है। तो डेफिनेटली अभी आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ इस कार्ड की टू ऑफ वैंड्स, तो देख लीजिए थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस है, बट थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस के बाद भी इस पर्सन ने एक ही वैंड को पकड़ा हुआ है, यानी कि आपको पकड़ा हुआ है। ये पर्सन अपनी दुनिया आपके साथ देखता है। थर्ड पार्टी है भले ही, पर फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है। कहीं ना कहीं आपसे ये पर्सन हमेशा कनेक्ट रहा है। आपको शायद ये सोशल मीडिया पर वॉच करता हो, क्योंकि देखिए यहाँ से सोशल मीडिया का कोई कार्ड नहीं आया है, बट मैं फिर भी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइडली कनेक्ट हो आप कहीं ना कहीं। ओके, तो मैं यहाँ से ये देख पा रहा हूँ कि यस, आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। हर चीज़ को प्रैक्टिकलिटी से देखना और हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल वे में लेके चलना। और आप जो हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी आप लोगों की ना रिस्पेक्ट करते हो, उनके इमोशन हर्ट ना हो आप उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हो, आप सबको एक नज़रिए से देखते हो, आप बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो, और यही पर्सनालिटी आपकी आपको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है। क्योंकि आप ना शायद मे बी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हो अपने टाइम में जब आप छोटे हो, या फिर आप अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जो आपने फेस किया अपनी लाइफ में वो आप किसी और को ना दो। बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में घूम फिर के वो चीज़ें होती हैं, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और आपको लगता है फिर कि मैं हमेशा इतना सही सोचता हूँ या सोचती हूँ, बट मेरे साथ हमेशा इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। बट कोई बात नहीं, आपको उस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहना है। बिकॉज़ देखिए हार्डशिप उन्हीं की लाइफ में आती हैं जो उस चीज़ को फेस कर सकते हैं। तो अभी अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, आपको अकेला छोड़ दिया है, आपके बारे में अभी इस पर्सन ने नहीं सोचा, और ये पर्सन कहीं और जाके किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया है, तो डेफिनेटली जब ये पर्सन वापस आएगा आपको मेंटल क्लैरिटी ज़रूर देगा। बिकॉज ये मेंटल क्लैरिटी का भी कार्ड है गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड इवन जस्टिस तो आपको मिल ही रहा है। गॉड आपके लिए धीरे धीरे जस्टिस कर ही रहे हैं। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया। क्योंकि ये देखिए आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, तो वहाँ इन्वॉल्वमेंट इनका बढ़ तो गया बहुत ज़्यादा, बट ये वहाँ पर खुश नहीं है। देख लीजिए ये वहाँ पर खुश नहीं है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना पैशन, केमिस्ट्री, एक इंटीमेसी, ये सब चीज़ें फील नहीं होती हैं जो आपके साथ फील होती थी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही बहुत अलग थी। आप एकदम डिफरेंट थे उनके लिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, तो इसीलिए उनको अभी भी आपके बारे में सोचना, वो आपके बारे में सोचने में मजबूर हो जाते हैं, डेफिनेटली मजबूर हो जाते हैं। और ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि ये टावर मूवमेंट अब ये ख़त्म करें आपके साथ, ये टावर मूवमेंट ख़त्म हो, ये इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं इस टावर मूवमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, सारी ब्लॉकेजेस जल्द से जल्द ख़त्म की जाएँ, ये सभी ऑब्स्टिकल्स हटा दिए जाएं, एंड इवन आपके लिए एक्शन लिया जाए, आपके पास आया जाए, आपसे कांटेक्ट बनाया जाए। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, तो देख लीजिए ये पर्सन सोच रहा है ये टावर मूवमेंट ख़त्म करने के लिए। जैसे ही टावर मूवमेंट ख़त्म होगा आपके पास ये पर्सन ऑफर लेकर आएंगे। ये आ रहे हैं, काफ़ी इंपल्सिव एक्शन होगा इस पर्सन का, एंड इवन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा ये पर्सन। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में वर्स चल रही है। नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको बस अपने लिए वर्क करते रहना है। आप अगर अकेले चल रहे हो तो अपनी सोल सर्चिंग में लगे रहो, खुद का पर्पस फाइंड आउट करते रहो। ये पर्सन, इस पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम पर बहुत ही स्पिरिचुअली बैलेंस होती जा रही है, क्योंकि जस्टिस चल रहा है ना इस पर्सन की लाइफ में। चलिए मैं देख लेता हूँ आगे क्या होगा, साइकिक से देखते हैं।
वाह, वी हैव हार्मनी। आगे चल के तो आप दोनों का कनेक्शन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ये पर्सन आपसे कनेक्शन बनाएगा, मैंने कहा ना, ये एक्शन लेगा और कनेक्शन बनाएगा। विक्ट्री एंड सक्सेस, तो विक्ट्री है, सक्सेस है, सोल्यूशन चिपकी। वी हैव सिक्स ऑफ वैंड, तो विक्ट्री मिलेगी आपको, डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी गाइस। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना, पर अगर पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। वी हैव पार्टनरशिप एंड लाइसेंस, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने किसी ना किसी वर्क की वजह से भी बाहर जा सकता है कहीं दूर। आप मतलब इनका वर्क रिलेटेड थिंग्स के लिए ये बाहर जा सकते हैं। बाहर मीन्स आउट ऑफ इंडिया, या फिर किसी और स्टेट में, या फिर किसी और कंट्री में, या फिर अगर कोई और कंट्री का पर्सन मेरी वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वर्क ज़रूर करना है किसी और कंट्री में जाके। उनकी ये विश है, द स्टार कार्ड मुझे यहाँ से विश भी दिखा रहा है। वी हैव एंजल ऑफ लव, तो डेफिनेटली एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है। आपको एंजल ऑफ लव टाइम टाइम पर ब्लेसिंग्स देती रहती हैं अपनी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एंजल्स का साथ आपके साथ है। वी हैव ब्रोकन हार्ट, तो अगर अभी आपका दिल टूटा हुआ है तो आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। खुद की हीलिंग कीजिए, आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा गॉड की तरफ से। विक्ट्री है इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री, सक्सेस सब है। हॉस्टिलिटीज़, ये पर्सन एक योद्धा की तरह अब आपके लिए लड़ाई करेगा हर एक चीज़ से, हर एक ऑब्स्टिकल से, हर एक प्रॉब्लम से। तो चलिए अब देख लेते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वी हैव रेनबो रिवाइवर, तो ये चाहते हैं कि कनेक्शन दोबारा से बने, जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई वो सब ख़त्म हो और ये दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आए। क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आप लोग कनेक्शन बनाओगे तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करोगे, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते ही रहोगे, ताकि इस रिलेशनशिप में एक एग्जील बनी रहे, एक क्रस्क बना रहे। ये रिलेशनशिप मतलब एक टाइम के बाद फीका नहीं पड़ेगा, आप कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए ऐसा करते रहोगे जो इस रिलेशनशिप में एक ताजगी बनाए रखेगा। लाइफ पर्पस, तो ये पर्सन समझ चुका है कि आप ही हो इस पर्सन का लाइफ पर्पस। एंड सेक्सुअल फ्रीडम, तो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है इस टाइम पर। क्या पता ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हो। एंड शिवलरी, डिवाइन मैस्कुलिन, वाओ, तो ये पर्सन वापस आएगा आपके पास, डेफिनेटली आपसे कनेक्शन बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। तो ये थी गाइज आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।